नमस्कार दोस्तों, आपने हनुमान जी का नाम तो हिंदू धर्म में बहुत सुना होगा। हनुमान जी कई बुराइयों के लिए भी पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से कोई भी बुरी आत्माएं वगैरह जो भी चीज़ें जो बुरी और नकारात्मक होती हैं वो आपके पास इधर उधर भी नहीं भटक सकती। हनुमान जी के नाम से ही यह चीज़ें दूर भाग जाती हैं। हनुमान जी की जयंती के बारे में भी आपने सुना ही होगा। यह चैत्र मास की 15वें दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती का क्या महत्व है जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान। आपने बहुत से मंदिरों में तो देखा ही होगा कि हनुमान जी सिंदूर के बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों है जानिए। हनुमान जी पर सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है, एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि सीता एक बार अपनी मांग में सिंदूर सजा रही थी। तभी हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माते आप ये क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे पति यानी राम की आयु तीव्र हो। हनुमान जी ने ये बात सुनकर खुद जाकर अपने पूरे शरीर पर लाल रंग से यानी कि सिंदूर लगा लिया और कहा इससे भी मेरे राम की आयु तीव्र होगी। इसलिए सिंदूर भगवान के लिए बहुत प्रिय है और जब से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। भगवान हनुमान शिव के रूप हैं। कहते हैं कि शिव एक अतुल्य और शक्तिशाली माने जाते हैं। कहते हैं कि भगवान हनुमान भी उसी वजह से अतुल्य और बुद्धिमान भी हैं, इसलिए भी हनुमान जयंती को बहुत ज़्यादा प्रिय भी माना जाता है। कहते हैं इसलिए हनुमान जी को पूजा भी जाता है। हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्म दिवस को ही कहते हैं। हनुमान जयंती के दिन लोग पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और फल फ्रूट और मिठाइयाँ भी बांटते हैं। कहते हैं श्रद्धा से किया हुआ कार्य सारे सफल होते हैं। अगर आप भी श्रद्धा से हनुमान की पूजा में लीन होते हैं तो इससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनसे हम जान सकते हैं कि हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।